जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ज्यादातर आई थिंक बुखार नज़ले बहुत ज्यादा हो रहे, मुझे भी है। मेरे ख्याल से असद का भी मैसेज आया था कि बुखार है, और उमेर तो बहुत बिल्कुल गायब है, ना टेस्ट उसका है कोई। चलें भारत एक्टिव स्टूडेंट जो भी होते हैं तो उनको बंदा ज़्यादा मिस करता है। आज का लेक्चर है हमारा, स्टेट ऑफ हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे हम, मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, सिख डायनेस्टी और डोगरा डायनेस्टी। ठीक है जी, स्पेसिफिक पढ़ते हैं हम, जो भी टू द पॉइंट बात है। कोई CSS या PMS लेवल की हम इंडो पाक हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। हम ये देख रहे हैं कि जी मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। ठीक है, सिख डायनेस्टी कब एस्टेब्लिश हुई और किसने एस्टेब्लिश की। ठीक है, और इसमें तो नॉमिनेटेड चंद एक बातें जो हम करेंगे ताकि हमारे जहन में बैठ जाए कि अच्छा ये ऐसा हुआ था। ठीक है जी, हाँ बाकी इससे रेलिवेंट कोई भी बात होगा PPSC डीप MCQ पूछ लेती है, तो हम पेपर भी पास पेपर भी कर रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, और इंशाल्लाह हम इसको बढ़ा देंगे नेक्स्ट मंथ से, ईद के बाद से फुल पेपर करेंगे डेली। हो गया, एक ग्राफ है जी, और बड़े सिंपल से मैंने इसको कोशिश किया बनाया है। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दूंगा, देन आप लेक्चर पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं, तो उसमें आप एडिशन करते रहना। कल हमने पढ़ा था बंगाल के बारे में, नवाब अली वर्दी ने इसकी बुनियाद रखी थी 1740 में। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि कलकत्ता में जहाँ फोर्ट्स बन रहे थे और नवाब सिराजुद्दौला ने फिर जो एक्टिविटी वहाँ की, और ब्लैक होल ट्रेजिडी हो गई एक्सेट्रा। एंड बैटल ऑफ बक्सर में हमने पढ़ा था कि बंगाल का मीर कासिम था, ओहद का शुजाउद्दौला था। ठीक है जी, और देहली का शाहजहां सेकंड या शाह आलम सानी हो, तो इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिश से फाइट की, वार हो गई और पूरी तरह शिकस्त हो गई। ठीक है जी, इन दोनों के नवाबों को ब्रिटिश ने कत्ल कर दिया, जबकि दिल्ली के शहनशाह को वापस भेज दिया कि आप शरीफ आदमी हो। ये हमने पढ़ा था, ये आपने ग्राफ, ये मैप बना लेना। ठीक है, ग्राफ नहीं सॉरी मैप। अच्छा, क्योंकि हमारा अब फोकस है दिल्ली सल्तनत तो वीक हो चुकी है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया, और मेजर उसके जितने भी किंग्स थे वो पढ़ लिए, 1748 तक हमने पढ़ लिए, 1748 तक। तो देखें ये 1740 का हम जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम और बाकी स्टेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, वहाँ क्या हो रहा था उधर, वो मतलब हम उसके गिर्द व नवाह के बारे में पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट्स कैसे वीक हो गई, वहाँ क्या सिचुएशन चल रही थी, क्योंकि दिल्ली से सारे कनेक्टेड थे ये पूरा एरिया। अच्छा जी, बंगाल के बारे में हमने पढ़ लिया, देन हम आते हैं हैदराबाद दक्कन, या उससे पहले हैदराबाद दक्कन की बात कर लेते हैं। तो निज़ामुल मुल्क ने 1724 में इसकी बुनियाद रखी। ठीक है जी, ये इलाका सारा हैदराबाद दक्कन का है। फिर हम बात करते हैं मैसूर की, जहाँ नवाब हैदर अली ने 1749 में इस इलाके की, ठीक है, यहाँ पे कोई राजा होगा उससे हुकूमत ले ली। और निज़ामुल मुल्क के बारे में तो आपको पता है कि ये किंग मेकर रहा, और रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के साथ मिलने वाला यही था। ये चेन्नई की कोई बात नहीं हमने, लेकिन ये वही इलाका है चेन्नई जहाँ की मद्रासी मूवीज आती हैं, चेन्नई एक्सप्रेस एक मूवी भी थी आई थिंक शाहरुख खान की, तो चेन्नई यहाँ पर है मद्रास, और इसके बिल्कुल साथ ही सामने मैसूर स्ट्रेट है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं लाहौर की तरफ, ये पूरा पंजाब का इलाका सिखों ने 1801 में सिख डायनेस्टी की बुनियाद रखी। ठीक है जी, 1801 महाराजा रंजीत सिंह ने, तो इसने लाहौर पे कब्जा कर लिया, लाहौर 1801 में, 1818 में इसने मुल्तान पे कब्जा किया, और 1819 में कश्मीर पे। ये चीज़ आपने याद में रखनी है। और इसी कश्मीर के इलाके पर गुलाब सिंह डोगरा, जो कि इसी का एक जनरल था रंजीत सिंह का, तो रंजीत सिंह की डेथ के बाद कुछ अरसे के बाद इसने 1849 में इस पूरे एरिया को अंग्रेजों से खरीद लिया। ये तो है जी एक थारो, ठीक है, आई बर्ड व्यू। देन हम देखते हैं नीचे इसकी डिटेल, तो आपने इसको ऐड करते जाना। स्टेट ऑफ मैसूर की बात, ठीक है, नवाब हैदर अली ने
ठीक है, एक वहाँ के राजा जो भी हिंदू था उससे इसको लिया 1749 में, कब्जा किया और अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो पावरफुल होता है वही हुक्मरान बन जाता है। बहरहाल जी, उसने इसका कैपिटल अनाउंस किया श्री रंगा पटने को, क्योंकि जो एमसीक्यूज़ बीपीएससी ने पूछे हैं सिर्फ हम उसी उसे ही तो वहीं रख रहेंगे। ठीक है, बाकी इन डिटेल चाहे आप जितना मर्जी इनको देख लें, एक्सप्लोर कर लें। 1750 में इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था फतेह अली, नवाब हैदर अली का बेटा फतेह अली। इसका निक नेम है, टाइटल है टीपू सुल्तान। ठीक है, नवाब हैदर अली को कोई इतना खास नहीं जानता, लेकिन टीपू सुल्तान को तकरीबन बच्चा बच्चा ही जानता है, क्योंकि इसकी कहानी किससे मशहूर है। हालांकि कहा जाता है कि कम्पिटेंट जो था वो नवाब हैदर अली था, क्योंकि इसने एक स्टेट की बुनियाद रखी, अंग्रेजों से जंग लड़ी, तो पहली जंग में तो अंग्रेजों को हरा दिया। चार बड़ी जंगें हुई अंग्रेजों के साथ इनकी। पहली जंग में हम देखेंगे, ठीक है, 1759 में इसने, नवाब हैदर अली ने उस इलाके, पहले इसने कहा था कि सुल्तान हैदर अली, बाद में 59 में इसने नवाब का टाइटल दे दिया अपने आप को। ओके जी, फोर मैसूर वार हो गई हो ब्रिटिश के साथ। तो फर्स्ट मैसूर वार 1769 यानी कि 2 साल रही, और नवाब ने ब्रिटिश को बड़ी बुरी तरह हरा दिया। अभी देख ले, बिल्कुल साउथ की तरफ है इंडिया के, और ये सबसे क्रिटिकल एरिया था। वो चाहते थे कि अगर ये वाला एरिया हमारे कब्जे में आ जाए तो हम जीत जाएंगे। इसके बाद सेकेंड मैसूर वार हुई, 1780 to 1784 तक चली, लेकिन हुआ ये कि 82 में है नवाब हैदर अली को शहीद कर दिया गया। उसके बाद फतेह अली ने यानी कि टीपू सुल्तान ने इस जंग को कैरी ऑन रखा, लेकिन 84 में इसने पूरी तरह से जंग हार गया। देन जब जंग हार जाता है कोई भी रियासत, जो भी रियासत जंग हार जाती है, तो वो उनको जंगी जुर्माने के तौर पर अंग्रेजों को पैसे देती है, टैक्सेस देती है। ये सिचुएशन होती है। बहरहाल जी, इन्होंने कुछ अर्सा यानी कि 6-7 साल टैक्स दिया। 1790 में इस टीपू सुल्तान ने फिर सोचा कि नहीं, अब मैं कुछ पावरफुल हूँ, 5-6 साल हो गए, अब मैं इससे जंग लड़ सकता हूँ। तो इसने देन फिर अगेन टैक्सेस देने से इनकार कर दिया। तो फिर एक जंग हुई जो कि 2 साल चली तकरीबन। तो जब टीपू सुल्तान जंग हारने लगा तो एक ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगा पटम 1792 में। तो इस ट्रीटी के तहत उसने क्या कहा, जी हमने जितना खर्चा जंग पे हुआ है वो जुर्माना दें आप, टैक्सेस दें वगैरह वगैरह सारे से। बहरहाल जी, इसने कुछ अर्सा और टैक्सेस दिए, 6-7 साल 8 साल तक टैक्सेस दिए। देन क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा था, इसका कनेक्शन हुआ फ्रांस के साथ, क्योंकि फ्रांस, इस बात को ध्यान से समझे, जब हम मैप्स पढ़ेंगे, यूरोप पढ़ेंगे, तब भी उसको देखेंगे, फ्रांस और बर्तानिया बिल्कुल साथ साथ हैं तकरीबन। जिस तरह आप यूँ समझ लें हमारे से इंडोनेशिया है थोड़े से फासले पर, या श्रीलंका कह लें आप, इंडिया का तो बहुत बड़ा गैप हो जाता है। फ्रांस और बरतानिया के दरमियान बस एक छोटा सा समंदर आता है। तो ये आपस में उस वक्त की सुपर पावर्स थी, हरीफ थे आपस में, बहुत इनकी लड़ाइयां जंगें होती रही हैं फ्रांस की। बहरहाल जी, तो फ्रांस के साथ इसके ताल्लुकात थे, और उसने कहा कि जी आप मेरी हेल्प करो। फ्रांस भी यही चाहता था कि बरतानिया को अब हरा दें। 1799 में टीपू सुल्तान ने फिर इनको टैक्सेस देने से इनकार कर दिया। तो बर्तानिया का लॉर्ड वेलिसले, ठीक है, उसने टीपू सुल्तान के खिलाफ जंग लड़ी, जो कि 5th गवर्नर जनरल रहा इंडिया का। अच्छा, इसको कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला टीपू सुल्तान को? कॉन्फिडेंस ये था कि इसने फ्रांस से कुछ रॉकेट्स मंगवाए थे, ठीक है, जिस तरह हम कोई मेले वगैरह पे शुरली इस्तेमाल करते, जिस तरह आपको मैंने बताया था कि बाबर ने बारूद इस्तेमाल किया था सबसे पहले, तो बारूद ईजाद हो चुका था। तो अब तो इस कई सदियां गुजर चुकी थी, तो अपडेटेड फॉर्म होगी। तो रॉकेट्स, छोटे छोटे रॉकेट्स थे, उन रॉकेट्स को मंगवा लिया था। इधर बरतानिया भी जानता था कि इसको फ्रांस की तरफ से सपोर्ट हो रही है, तो बरतानिया समझ लिया कि यार अब इसको हराना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो। बहरहाल जी, इन्होंने एक शख्स को, इसके सगे चचा मीर सादिक को से राबता किया। मीर सादिक, जाहिर है वो कहीं ना कहीं अपने जासूस निकालते थे, तो मीर सादिक इसका सगा चचा था, वो जानता था कि अगर टीपू सुल्तान रस्से से हट जाता है तो मैसूर की स्टेट पर हुक्मरानी किसकी होगी, मीर सादिक की। बहरहाल जी, मीर सादिक के साथ अलेख से लेख करके
उन्होंने कहा जी आप हमारा जंग में हमारे साथ ताउन करें और हम बदले में आपको हुक्मरानी देंगे। हुआ ऐसा ही कि जब बरतानिया की फौजें ठीक है लड़ने के लिए आई, आगे आई, तो टीपू सुल्तान तो बड़ा पुरसकून था, ठीक है, जिस तरह इस तस्वीर में ऊपर दिया हुआ है कि जी अपने महल पर अपने किले के ऊपर ऐसे बैठा तसल्ली से कि आने दो जी और आगे आने दो, ये जैसे जैसे फौजें आगे आएंगी, आप देखें वहां पर जो बरतानिया की फौजें थी उनके पास बंदूकें थी जो सिंपल वाली बंदूकें हुई, तो इसने कहा कि चलिए करीब आने दो, कोई इशू नहीं है। अब जैसे जैसे करीब आई और बहुत करीब आ गई तो उसने कहा इन पर रॉकेट मारो। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो जो असला डीपू था, असला डीपू का इंचार्ज टीपू सुल्तान ने अपने चचा ठीक है मीर सादिक को लगाया हुआ था। मीर सादिक ने क्या किया, वहां पर पानी छुड़वा दिया, सारे रॉकेट्स ठीक है गीले होकर खत्म हो गए। आपको पता है कि कागज में लिपटी हुई कोई भी शुरली है अगर पानी वहां पर उसको लग जाए तो पटास वगैरह सब कुछ अपना असर जाहिर कर देती है जी। इस तरह से ये फिर लड़ाई जब टीपू सुल्तान हार गया बुरी तरह, एक तो वैसे ही वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मीर सादिक और वो बाकी सिपाही जो लॉर्ड वेलिसले था उसने कहा जी मुझे टीपू सुल्तान की लाश देखनी है। तो ये लाश देखने लगे तो मीर सादिक ने एक सिपाही को कहा कि आप टीपू सुल्तान की लाश ढूंढो। तो मीर वो जो सिपाही था वो करीब आया और मीर सादिक को कत्ल कर दिया। इस तरह से मीर सादिक का भी खात्मा हुआ। अच्छा ये जो लॉर्ड वेलिसले था और गवर्नर जनरल था, हम 1857 की जब वार को कंप्लीट करेंगे और ये गवर्नर जनरल वाइस राय में तब्दील होंगे तो हम इनके कुछ गवर्नर जनरल्स और ये ब्रिटिश इरा ठीक है ये कुछ डिस्कस करेंगे, देन वाइस राय के बारे में पढ़ेंगे इस तरह ठीक है। और जैसे ही हम 19th सेंचुरी में आएंगे ना, 1900 में इवन दाखिल होंगे, तो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर है उससे बाद, तो हम इन सारी हिस्ट्री जो कुछ भी हम पढ़ चुके हैं चाहे 1200 ठीक है 12th सेंचुरी हो या बिफोर क्राइस्ट हो, वो जितनी भी इसमें जो भी कनेक्शन बनेगा ना हिस्ट्री का ठीक है, जिस तरह से हम 1848 पढ़ते हैं या 1940, जब 1948 पढ़ेंगे तो हम 1848 में क्या हुआ वो भी पढ़ेंगे, 1748 में इंसिडेंट्स हुआ वो भी पढ़ेंगे, 1648 वाला भी पढ़ेंगे ठीक है जी। इस तरह हम करेंगे कि वहां पर ऐसा हुआ तो मैं एक बॉक्स में ऐड करता जाऊंगा ताकि वो हिस्ट्री भी रिवाइज होती रहे। ये है जी वो नेवले की शक्ल वाला मीर सादिक ठीक है, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान हारा। अब आ जाते हैं हम स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन 1724 में, जिसकी बुनियाद रखी गई और बुनियाद रखने वाला कौन था, निजामुल मुल्क, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसी का पोता था अमादुल मुल्क आई थिंक, तो उसने वो भी किंग मेकर रहा और इसका असल नाम था कमरुल मुल्क, ये मिनिस्टर था रंगीला का। और ये पावर में कैसे आए थे कि मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको कहा था कि सैयद इसको कत्ल कर दो, तो कत्ल कर दिया, और फिर इसने और ये मराठों का सपोर्टर भी था, इसने एक मराठे को भी आज़ाद किया और इस तरह सब कुछ इसने अपने आप को, मतलब जब हैदराबाद दक्कन की स्टेट ठीक है ली तो इसने अपने आप को निज़ाम कहलवाया, तो हो सकता है कि उस इलाके की लैंग्वेज से रेलिवेंट हो ठीक है। अच्छा और इसमें क्या बात है, हाँ हैदराबाद के ये जितने भी निज़ाम थे तमाम के तमाम मुस्लिम्स थे, और ब्रिटिश ने जब तकसीम किया सब कॉन्टिनेंट को तो हमारे हिस्से में ये स्टेट आती है, ये इंडिया के सेंटर में बनती है, तो हमारी डायरेक्ट एक्सेस इस तक नहीं थी। बहरहाल जी ये भी इंडिया के हवाले कर दी गई, इसका केस अभी तक पेंडिंग है। चलिए सॉरी तबीयत थोड़ी ऐसी है, इस वजह से बार बार मैं थोड़ा अटक रहा हूँ। अच्छा 1800 में, 1800 में क्या हुआ कि सिख डायनेस्टी ठीक है सिखों ने हमला कर दिया लाहौर पर, लाहौर उस वक्त भी दारुल खिलाफा था, तो 1801 में महाराजा रणजीत सिंह ने सिख डायनेस्टी की बुनियाद रखी और इसको कैपिटल लाहौर बना बना दिया जी। 1809 में ट्रीटी अमृतसर हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यह है कि बरतानिया और सिखों के जो ताल्लुकात थे वो रिकवर होने शुरू हो गए। सिखों ने एक तो यहाँ सिखों ने बड़ा जुल्म भी किया, हमारे जो ईदगाहें थी उनको अस्तबल बना दिया, मस्जिद को दफ्तरी काम के लिए इस्तेमाल करने लगे, इसके अलावा लूट मार बहुत की इन्होंने, जितने भी मुगल दौर में असासे थे वहाँ, जिस तरह नूरजहाँ का
जो मकबरा था वहां पर एक, मैंने पहले भी बताया था नूरजहां को पढ़ाते हुए, एक 7 मन का सोने का ताबूत में वो इंश्राइन कर दिया गया था और वो लटकाया था ऊपर की तरफ, तो उसने वो लूट लिया सोना। 1809 में जब इनका ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ, एक देखा ट्रीटी ऑफ अमृतसर दो है, दूसरा एक नीचे है मैं आपको बताता हूँ, वो ज्यादा फेमस है, ये इतना फेमस नहीं है, ये भी आते हैं रख लेना। 1846 में होगा वो, तो अमृतसर में जो भी ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसको कहते हैं, तो जहां भी जब वो क्वेश्चन पूछेगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर का, तो वो कहेगा कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 इस तरह का, या फिर जो डेट्स वो देगा 46 47 वगैरह, तो उससे रेलिवेंट ही आपको समझ लेना। चलिए, तो इस ट्रीटी के मुताबिक ये था कि ठीक है जी, आप हुकूमत करो, हमें टैक्स दो, हमें पैसे दो। अंग्रेज बस चाहते थे हमें पैसे दे दो, एक तो वो पैसा चाहते थे, दूसरा वो चाहते थे कि उन्हें कोई इंटरप्ट ना करे, जो कुछ भी वो करते रहे इंडिया में उनको कोई ना रोके टोके। तो चुनाचा 1818 में रंजीत सिंह ने मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया और 1819 में कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया। मुल्तान का उस वक्त जो नवाब था वो था नवाब मुजफ्फर खान सिद्धू जई, आज भी सिद्धू फैमिली इधर पाई जाती है हमारे जनूबी पंजाब में, तो मुजफ्फर खान सिद्धू जई नहीं, मुजफ्फरगढ़ जो सिटी है वो इनके नाम से मंसूब है। इसी तरह इनके फादर थे नवाब शुजा, तो इन्होंने शुजाबाद, ये इनके नाम से मंसूब है। अच्छा, 1819 में ये जो कश्मीर पर कब्जा किया, तो उस जिस जनरल को भेजा पता करने, वो था गुलाब सिंह डोगरा। अब आपने एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ याद रखनी है कि इसके नाम के साथ सिंह तो है, लेकिन ये है हिंदू, गुलाब सिंह डोगरा है हिंदू, ये याद रखना आपने बात। अच्छा खैर जी, रंजीत सिंह की 1839 में डेथ हो गई, इसको वहीं लाहौर में एक गुरुद्वारा है दफन कर दिया गया, और मेरे ख्याल से शाही किला है जहां पर इसका एक स्टेचू भी बनाया हुआ है। जब हम लाहौर गए थे तो मैं देखा, मैंने कहीं पता नहीं क्या है, तो बाद में किसने बताया कि ये रंजीत सिंह का ऐसे घोड़े पे वो बैठा है, आप में से कौन है आई थिंक लाहौर में, तो वो वहां पर वायरल बना हुआ। आपने मुझे क्लियर करना है कि शाही, मतलब शाही किले के साथ ही आई थी। अच्छा जी, 45 और 46 जब रंजीत सिंह की डेथ हो गई, उसके बाद जाहिर है बेटे वगैरह इनकम्पिटेंट होते हैं, तो फर्स्ट इन्होंने कहा कि भाई हम भी टैक्स वगैरह कलेक्ट करके अंग्रेजों को देंगे, तो इनसे टैक्स कलेक्ट ही नहीं हुए, इसलिए फिर नेक्स्ट दोबारा फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई और इसे जब एंड हुई तो ट्रीटी ऑफ लाहौर की मदद से एंड हो गई 1846 में। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुआ? 1846 में। अच्छा, दिलीप सिंह, दिलीप सिंह इसका बेटा था, तो इन्होंने इस ट्रीटी के बाद दिलीप सिंह को ही गवर्नर अपॉइंट कर दिया और कहा जी हमें तो सिर्फ पैसे चाहिए, हमें जो मर्जी दे। 1849 में फिर सेकंड सिख एंग्लो सिख वार हो गई, तो उसमें भी ये हार गया और दिलीप सिंह को उसने रिमूव करके अंग्रेजों ने खुद कब्जा कर लिया। अब यहाँ से आपने देखना है, 1846 में जब ट्रीटी ऑफ लाहौर भी हो गया, अंग्रेजों ने डिमांड की कि हमें चाहिए कुछ पैसे, तो दिलीप सिंह खुद तो कलेक्ट नहीं कर सकता था, इसने पैगाम पहुंचाया कश्मीर में जो इसका बंदा बैठा था गुलाब सिंह डोगरा, उसको कहा गया जी पैसे दो, क्योंकि गुलाब सिंह डोगरा को वहां पर अपॉइंट किया हुआ था जस्ट इसलिए कि आप टैक्स हमें भेजो। कश्मीर से पैसा आता था लाहौर और लाहौर से फिर पैसा दिया जाता था बरतानिया को, तो इसने 1846 में डायरेक्ट बरतानिया ब्रिटिश से रापता किया, बरतानिया से नहीं ब्रिटिश से रापता किया, किसी गवर्नर जनरल से रापता किया जो भी लगा हुआ था, और उसे कहा गया जी आप लाहौर को छोड़ो, आप मुझसे 75 लाख रुपए ले लो, रुपए नहीं नानकशाही, आप 75 लाख नानकशाही में ये कश्मीर का इलाका मुझे दे दो अंग्रेजों। अब ये देखिए, ये बड़ा बेईमान आदमी, शक्ल से भी बड़ा तेज लग रहा है, तो इसने जाहिर है बहुत ज्यादा पैसा रंजीत सिंह को भिजवाया होगा, लेकिन ये इतना सारा पैसा टैक्सेस लगा लगा के, 75 लाख नानकशाही बहुत ज्यादा होते थे उस वक्त। आप ये देखें ना, जब हमारे बड़े जो पेरेंट्स हैं हमारे, तो वो एक एक रुपए में घर चलाते थे, ठीक है, चवन्नी, एक एक रुपया, 8-10 रुपए, तो मेरे जो दादा है उनको एक मकान मिल रहा था आई थिंक 500 रुपये का, तो ये 75 लाख नानकशाही है, तो 75 लाख लाना चाहिए, अंग्रेजों को इतना सारा पैसा मिला, तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप रखो। इसी वजह से दलीप सिंह टैक्स नहीं अदा करता। 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ, ठीक है, और लास्ट रूलर था इसका महाराजा हरि सिंह, ठीक है जी।
सेकंड। हाँ जी, माजरत के साथ। अच्छा, मैंने 46 वा जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर था उसको थोड़ी रीअरेंज किया, सेटिंग में चेंज किया। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर और अमृतसर, अमृतसर जो है वो पंजाब में, ठीक है, इंडियन पंजाब में। तो ये दोनों ही, ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ अमृतसर, 1846 में हुए हैं, ठीक है। चंद, ये एक हफ्ते का फर्क है। तो पहले ये लाहौर में हुआ, इस वार से रेलिवेंट ट्रीटी, देन फिर अमृतसर में। आप यूँ समझें कि कुछ शराइत थी जो लाहौर में इन्होंने पूरी कर ली, देन ये सारा इम्प्लीमेंट हुआ जाके अमृतसर में, ठीक है, 16 मार्च 1846 में। तो आपने सन याद रखना है, ठीक है जी। फिर हम बस, यहाँ लेक्चर तकरीबन एंड हो गया। डोगरा डायनेस्टी को हमने पढ़ लिया था कि 75 लाख नानकशाही ने इन्होंने परचेज किया, और इसका लास्ट रूलर कौन था, महाराजा हरी सिंह, जिसके साथ हमारे भी इख्तलाफ आते हैं, ठीक है। हमने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, यूँ समझ लें, और इसने डायरेक्ट इंडिया जाकर एक मुहिदा साइन कर दिया। चलें जी, आज के लिए इतना ही, बहुत मेहरबानी। ओके, अल्लाह हाफिज़।